हाथरस की घटना को लेकर शहर और गांव तक इसका विरोध किया जा रहा है और हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार से मांग की जा रही है। जनपद मुरादाबाद के भगतपुर ब्लॉक के प्रमुख एवं समाजवादी पार्टी के जिला सचिव इकबाल इंजीनियर ने सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए कहा, हाथरस की घटना दिल दहलाने वाली है। आज पूरे देश में हाथरस की घटना की निंदा हो रही है। हम भी आज भारत सरकार और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हाथरस के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। उत्तर प्रदेश में हो रहे रेप, लोगों का शोषण, इसके लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। कानून नाम की चीज़ उत्तर प्रदेश में, हालांकि पूरे देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर स्थिति में आ गई है। कोई कानून नाम की चीज़ उत्तर प्रदेश में नहीं रह गई है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, हाथरस गैंग रेप होने के बाद पुलिस ने जिस तरीके से पीड़िता को कई घंटे कई दिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उसके बाद जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके बाद जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से आप किसी औरत को रात में अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, उसके विरोध में, उसके अपोज में उन्होंने रात में अपने आप बिना किसी परिजन को, घर वाले को लिए रात में उसका अंतिम संस्कार किया, जो कि भारतीय सभ्यता पे भी ये उंगली उठाता है कि इस तरीके से, जिस तरीके से कानून व्यवस्था चल रही है, योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उन्हें कोई ऐसा कड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि कानून व्यवस्था कुछ बेहतर स्थिति में आए। और जहाँ तक सवाल है, एक चीज़ मैं और ये बताना चाहूँगा कि इस तरीके से किसानों का शोषण हो रहा है। फिलहाल धान का मूल्य 1100 रुपये है। इस तरीके से देश नहीं चलेगा, इस तरीके से प्रदेश नहीं चलेगा। इस तरीके से किसान जो कि मेन पावर है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, मेन काम कृषि का, हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, इस तरीके से जिस तरीके से किसानों का शोषण हो रहा है, ये कतई भी आने वाले टाइम के लिए कतई भी सही नहीं है। इससे देश सही दिशा में नहीं जाएगा, गलत दिशा में चला जाएगा। आज की जीडीपी जिस तरीके से निचले स्तर पर पहुंच गई है, अगर यही हाल किसानों का रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश हमसे ऊपर आ जाएंगे, हमारी मुद्रा नीचे चली जाएगी। मोदी जी का वो वादा आज भी मुझे याद है कि डॉलर के मुकाबले रुपया जो आज की स्थिति है उससे बेहतर पोजीशन में जाएगा, आधे आधे पर आकर रुकेगा, लेकिन वो और ऊपर जाने की बजाय इतना नीचे चला गया है। जो कांग्रेस को छोड़ के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था उस पर बीजेपी कतई भी खरा नहीं उतरी है। कोई वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। और ऐसे मान के चले कि किसी वादे पे भी बीजेपी खरा उतरने की कोशिश ही नहीं कर रही है। वादा पूरा करना तो एक दूसरी बात है, वादा पूरा करने के लिए एक कोशिश करनी पड़ती है, कोशिश में भी बीजेपी पूरी तरीके से नाकाम रही है।